Assalamu alaikum, I am Ms. Iram Zahra from KGLO. Students, today we will read English reading. Open page number 32 and 33. जैसा कि आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि आज जो हम पेज पढ़ेंगे वो 32 और 33 पेज होगा और इसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि पीटर एंड जीन जो हैं वो फार्म हाउस में हैं और फार्म हाउस किसे कहते हैं, जहाँ पर हम एनिमल्स जो हैं वो कैप्ट किए जाते हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमल्स नज़र आ रहे हैं लेकिन इसमें सबसे पहले हमें हॉर्स नज़र आ रहा है और काउस नज़र आ रही हैं और पीटर के पास भी एक हॉर्स है, वो बिग हॉर्स है और जेन के पास लिटिल हॉर्स है और यहाँ पर जेन जो है वो हॉर्स को एप्पल भी खिला रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। आज जो हम पेज पढ़ेंगे वो पेज नंबर 32 और 33 है। 32 पेज पर सिर्फ 3 लाइंस थी हमारी तो इसलिए मैंने वो इसमें शामिल कर लिया है, तो आज हम दोनों पेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। द टू चिल्ड्रन आर एट होम द फार्म दे। ओके स्टूडेंट्स, द टू चिल्ड्रन आर एट द फार्म दे वॉन्ट टू हेल्प एट द फार्म दे लाइक टू वर्क देयर हेयर दे आर विद द हॉर्सेस जेन लाइक्स हर लिटिल हॉर्स She gives it an apple. She wants to keep her little horse. Peter has a big horse. I want to get on my horse. Jane, he says, help me up, please. Okay, students, अब हम इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। The two children are at the farm. They want to help at the farm. They like to work there. Here they are with the horses. Jane likes her little horse. She gives it an apple. She wants to keep her little horse. Peter has a big horse. I want to get my On my horse. Jane, he says, help me up, please. Okay, students, अब हम अपने ये difficult words को या जो words हमने इस पेज में हमने पढ़े हैं इनको अब हम फ्लैश कार्ड में पढ़ेंगे। तो अब हमारा सबसे पहला वर्ड है farm. Farm. यहाँ पर कैपिटल F से लिखा हुआ है और आपकी बुक के लास्ट में स्मॉल F से लिखा हुआ है। तो अब हम ये हमारा वर्ड है फार्म। नेक्स्ट वर्ड है बिग। बिग। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड है हॉर्स। हॉर्स। हेल्प। हेल्प। हेल्प करते हैं ना हम, एक दूसरे की मदद करते हैं और हमें हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है कीप। कीप। Keep, keep. Little, little. Little means small, छोटा. Work, work. मैं आपसे कहती हूँ ना, do you work? तो work, काम करना. My, my. They, they. Children. Children, at, are. Okay students, अब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है, बार बार पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से पढ़ना आ जाए और आप जब टीचर को सुनाएं तो आप बहुत तेजी से और अच्छे अच्छा तरीके से सुनाएं। Okay, thank you, अल्लाह हाफिज़।